हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मेरे पास ये न्यू प्रोडक्ट आया है माइक, जिसको मैंने ऑर्डर किया क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हमने माइक मंगाया जो कि ओनली सिर्फ कितना रेट है इसमें 548 रुपये का, 548 रुपये का पड़ा है। अब इसका टेस्ट करने वाले हैं कितना रेंज तक है जाता है ये, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ हमको मिलता है इसके अंदर, और कितना दूर तक इसकी आवाज़ कवर करता है, नॉइस है या नहीं, सब आपको क्लियर करके एकदम अच्छे से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चाकू वगैरह तो है नहीं मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैं घर से दूर आगे कर रहा हूँ, क्योंकि घर पे लाइट नहीं थी, लाइट कट गई थी, इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ा। तो अभी इसको ऐसे ही फाड़ लेते, देखते हैं फिर इसके अंदर प्रोडक्ट। स्टेपलर लगा रहा है इसमें, इसके अंदर एक बॉक्स है, टेप लगा है इसके अंदर, देखो क्या जबरदस्त वाला है। अभी इसको टेस्ट भी करके दिखाएंगे। दो माइक दिया है, दो पर्सन अगर इसे साथ में वीडियो बना रहे हैं, दोनों लोग लगा के यूज़ कर सकते हैं एक साथ। माइक की क्वालिटी देखने में तो ज़बरदस्त लग रही है। ये रही माइक, देखो इसको ऐसे करके कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे वैसा वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले हम आपको कुछ जानकारी दे उसके बारे में। तो उसके अंदर ये मिलता है जिसमें साफ साफ अच्छरों में लिखा है, ओप्पो वीवो और रियलमी फोन यूजर्स को K8K90 माइक का इस्तेमाल करने से पहले आप हर बार अपनी फोन सेटिंग में ODG कनेक्शन ऑन करना होगा। K8K9 माइक इस्तेमाल करने के 10 मिनट बाद इन फोन को ODG अपने आप बंद हो जाता है। जब माइक हरे रंग की रोशनी दिखाता है तो इसका मतलब है कि माइक अब मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। फिर भी अगर मोबाइल में कुछ काम नहीं करता है तो आपको प्ले स्टोर से ओपन कैमरा नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप सेटिंग खोलनी होगी, फिर वीडियो की सेटिंग में जाना होगा, ऑडियो सोर्स पर क्लिक करें और उसमें एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट करें। इस ऐप से रिकॉर्डिंग करते समय आपका माइक काम करना शुरू कर देगा। इस उत्पाद से संबंधित किसी भी अन्य समस्या के लिए वीडियो देखने के लिए QR कोड को स्कैन करें। तो ये रहा, इसमें पूरी जानकारी लिखी है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अभी इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके फिर आपको डायरेक्ट इसकी आवाज़ सुनाते हैं। फिर उसके बाद हमें ये मिलता है बॉक्स, जिसमें पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। और ये रहा पूरा सेटअप, जिसके साथ हमें ये एक मॉनिटर मिलता है जिससे कनेक्ट किया जाएगा। ये दो माइक, दो पर्सन भी साथ में रह के इसको वीडियो बना सकते हैं, जिसके साथ मुझे ये दो मिलता है। और एक अच्छी बात तो ये है, जिसके साथ हमें एक डाटा केबल मिलता है, जो ये रहा सी टाइप का डाटा केबल, मिनी साइज का है, काफ़ी अच्छी सी चीज़ भी इसमें। इसके साथ एक चीज़ और मिलता है, अगर आप आईफोन में भी कनेक्ट करना चाहो तो इसको इस थ्रू से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके आईफोन में भी लगा के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी इसकी हम रेंज चेक करके बताते हैं। वैसे तो इसमें 20 मीटर तक लिखा है कि 20 मीटर तक ये अच्छे से कैच करता है, नॉइस है या नहीं है सब चीज़ अभी पूरा डिक्लेयर करके आपको बताते हैं, ये माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये जो है अभी माइक की आवाज़ आ रही है, देखो इसमें ग्रीन कलर जल रहा है, तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। अगर एक टाइप वन टाइप बंद हो रहा है, वन टाइप चालू हो रहा है, तो इसका मतलब भी कनेक्ट नहीं हुआ है। ये देखो एकदम स्टेबल जल रहा है, तो इसका मतलब कनेक्ट हो गया। अभी ये आवाज़ इसमें आ रही है, इसको यहाँ पे कहीं भी ऐसे लगा सकते हो। अभी ये आवाज़ आपके पास कैसी जा रही है तो मुझे नहीं पता, अभी वो तो मुझे वीडियो जब चेक करूंगा तब मेरे को मालूम चलेगा, बट आप सुन रहे हो ये तो है। इसको आप कहीं रिकॉर्ड पे कहीं भी जगह पे लगा सकते हो। इसको देखो अभी ऐसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। अभी देखो आवाज़ कैसी जा रही है मेरी, पहले से बेहतर है या अभी के टाइम पे क्वालिटी कैसी है इसकी, आप लोग बताओ इसको। तो चलो अभी इसको बाहर भी जाके चेक करते हैं। देखो कैमरामैन मेरे से करीबन 5 मीटर के दूर पे है, अभी कनेक्ट हो रहा है कैसा वो तो आपको ही पता होगा। अभी हम बाहर भी जाके इसको चेक करने वाले हैं अच्छे से कि आवाज़ कैसा आ रहा है, एकदम परफेक्टली आ रहा है या नहीं, फिर आपको बताइए आप प्रोडक्ट लो या ना लो। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक अच्छे लोकेशन पे, फिर आपको बता रहे हैं। ये देखो कहाँ जगह पे आ रहे हैं, ये तालाब पे जा रहे हैं। अभी देखते हैं आवाज़ कितनी दूर तक कैच करता है या नहीं करता है। ये रहा तालाब, हमारे कैमरामैन भाई देख रहे हो, लुकिंग वाह भाई। मेरी आवाज़ जा रही है क्या, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, और भी दूर जा रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही है तो बताना, मैं इसको भी सेट करेंगे। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है ये आप लोग डिसाइड करें, क्योंकि मैं किसी कंपनी को कंप्लेन नहीं कर सकता, मेरी आवाज़ जा रही होगी तो आप बता। चलो चेक करते हैं। मेरे हिसाब से प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था चेक करके, ताकि आप भी इसके चक्कर में ना बढ़ो कि नहीं इस प्रोडक्ट का नाम है उतना अच्छा नहीं है, इसकी आवाज़ मतलब उतना क्वालिटी नहीं है। वैसे पैसे भी इसमें ज़्यादा नहीं लगाए, 500 कुछ रुपए थे तो मैंने ऑर्डर कर दिया था, बट इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो आप इस प्रोडक्ट को ना लो, उससे अच्छा बोया का ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। चलो बाय। तो जैसा कि अभी घर के बाहर हमने आपको जाके दिखाया, इसकी वॉइस उतनी अच्छी नहीं थी और नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर रहा था, इतनी सारी आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड नॉइस,
पता नहीं कैसी कैसी आवाज आ रही थी, बस ये कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसके लिए मैं बताऊंगा ये बैड प्रोडक्ट, इसको ऐसे फेंक देते हैं। चलो बाय।